पंडित मुकेश शास्त्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बारे में, क्योंकि ये राजनीति का भविष्य तय करते हैं, कई बार संकट मोचक के तौर पर सामने आते हैं। इनके लिए 2019 क्या कुछ अपने साथ लेकर आएगा, किस तरह का उतार चढ़ाव? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के लिए 2019 कैसा रहेगा, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। साल 2019 में श्री अमित शाह का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, तो ऐसे ग्रहण काल में 2019 में आपको अपने आप को साबित करने के लिए जी तोड़ कड़ी मेहनत 200% मेहनत करनी होगी, जिसका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। 7 मार्च को राहु आपकी राशि से सुख भाव को त्याग कर पराक्रम में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे समय में कुछ चीजों में निश्चित तौर पर बदलाव होगा। पराक्रम भाव से राहु की दृष्टि आपके अष्टम, दसम और द्वादश भाव में पड़ रही है, कामकाज में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के भी प्रयास हो सकते हैं। 30 सितंबर से 18 सितंबर 2019 के मध्य शनिदेव आपके भाग्य में वक्री रहेंगे, लगभग ये वो समय रहेगा जब आपको लोकसभा चुनाव का भी सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि किस्मत थोड़ी सी आपसे रूठ रही है, अतः बगैर ओवर कॉन्फिडेंस में आए अपने हार्डवर्क से अपने हालातों को काबू में करने का प्रयास कीजिएगा। कुल मिलाकर 2019 में आपको समय के साथ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहण योग आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा, अंत भला तो सब भला, साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, अंत भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय कुछ हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि राहु का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो महीने में एक रविवार को भैरव मंदिर में दीपदान पूजा करवाइएगा, सफलताएं आपके कदमों को चूमेगी। अपने निवास स्थान पर उत्तर दिशा में एक तोते की तस्वीर लगाइएगा, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिएगा, भैरव के 108 नाम का जो पाठ होता है 7 बार पढ़ते हुए काले धागे में गांठ लगाते जाएं और उस धागे को अपनी दाहिने हाथ की कलाई में बांध लीजिए, सब समस्याओं से मुक्त।